नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया था। टोटल 990 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसी के रिगार्डिंग टायर 2 का जो अभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का नोटिस था वो कल जारी किया गया था, जिसको मैंने डिटेल से आपको बता दिया था कि क्या कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन रहने वाली है, क्या कुछ शॉर्ट हैंड में आपसे करवाया जाएगा, क्या कुछ आपसे टाइपिंग टेस्ट में करवाया जाएगा, देन आपको आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो फाइनली अभी DSSB के द्वारा कुछ ही देर पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिस जारी करके टाइम शेड्यूल बता दिया गया है कि जो टायर थ्री जो आपका था उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट और जो शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होना है DSSB के द्वारा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो टायर 3 का अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि किस दिन किस शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नोटिस के अंदर बताया गया 18/7/2024 का ये नोटिस है। सब्जेक्ट में कहा गया कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट कोड 801/2024, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स फैमिली कोड। तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स के अंदर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी और इसके अंदर 990 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका टायर 3 कंडक्ट करवाना था। यहां पे देख लीजिएगा, स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट हैंड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट कोड 801/24 विल हेल्ड एट इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ओखला इंस्टीट्यूट स्टेट फेज 3 नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली एंड नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी। तो इन दो जगह पे आपका जो टायर 3 है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा और जो दूसरा है वो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा आपका कहाँ पर पढ़ने वाला है। तो आइए देख लेते हैं इसको। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 4/8/2024 यानी कि 4 अगस्त से आपके जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा आज 19 तारीख है, आप 20 मान लीजिएगा, 20 और 10, 10 दिन ये और 3 दिन वो, 10 से 12 दिन है आपके पास, अपनी तैयारी जी जान लगा दीजिएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और देन आपकी जो जॉब है वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद 4 अगस्त को आपका जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का है ये देख लेना, शिफ्ट में बताया गया है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ये बताया गया है। 4 तारीख को आपकी 2 शिफ्ट होंगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से 9:30 बजे तक और जो सेकंड शिफ्ट है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक। ऐसे ही जो इवनिंग में 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये 4 और 10 तारीख को सीनियर पर्सनल असिस्टेंट सेशन कोर्ट का कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, यहाँ पे देख लेना सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट के अंदर। तो ये देख लेना 11 अगस्त 17 अगस्त 18 अगस्त 24 अगस्त 25 अगस्त 31 अगस्त और 1 सितंबर को कंडक्ट करवाए जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट वगैरह दी गई हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट की जो शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है वो काफ़ी दिन चलेंगे। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है, अब आपको पता चल गया होगा अपना जो टाइम शेड्यूल है जो आपके 4 अगस्त से आपके जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट में डाउनलोड देयर ई एडमिट कार्ड अबव मैंशनड पोस्ट कोड 29/7/2024 से 2/8/2024 अप टू 11:59। तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो 29/7/2024 यानी कि 29 जुलाई से DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। 2/8/2024 तक आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इन कैंडिडेट फाइंड द डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, शी कोरेक्ट कॉन्टैक्ट ई बोर्ड ऑफिस इन पर्सन ऑन 1/2/2024 बिटवीन 11 AM से 3:30 PM। अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 और 2 तारीख को आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल ईमेल भी दी गई है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रो द स्कीम ऑफ स्किल मेंशन इन द जनरल इंस्ट्रक्शन। तो शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में जनरल इंस्ट्रक्शन जो कल प्रोवाइड किया गया था इसके अंदर भी दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा।
ये देख लेना, ये पूरा नोटिस यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्ट हैंड टेस्ट में भी दिया गया है कितना वर्ड कितना पैसेज आपको दिया जाएगा, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। इस पर मैंने कल वीडियो बना दी थी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो टायर 3 का शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।